एक सीढ़ी को अगर हम ऐसे सीधा खड़ा रखें तो वो गिर जाती है। ये मेरे हाथ में एक जादुई सीढ़ी है जो बिना किसी सपोर्ट के सीधी खड़ी रह जाती है। इसे हम सीडी जायरोस्कोप कहते हैं। जब तक ये फिजिट स्पिनर घूमता है सीडी सीधी खड़ी रहती है, लेकिन जैसे ये रुकता है सीडी गिर जाती है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं किसको बनाते कैसे हैं। इसके लिए हमें एक सीडी, एक फिजिट स्पिनर, नट बोल्ट और वॉशर चाहिए। स्पिनर के बीच में एक बियरिंग होती है जिसकी वजह से ये हमारा स्पिनर काफ़ी देर तक घूम पाता है। हमें इसी बियरिंग के छेद से ये बोल्ट पास करना है और सीढ़ी के दोनों साइड एक एक वॉशर लगाकर नट से टाइट कर देना है। ये हमारा सीढ़ी जायरोस्कोप बनकर तैयार है। चलिए अब ये देखते हैं कि स्पिनर को घुमाने से ये सीधा खड़ा क्यों रहता है। एक सीढ़ी को अगर मैं ऐसे सीधा खड़ा रखने की कोशिश करूं तो वो गिर जाती है, क्योंकि सीढ़ी का सेंटर ऑफ मास बेस के ठीक ऊपर नहीं रह पाता है। लेकिन जैसे ही मैं बहुत सारी सीढ़ीज को एक साथ चिपका दूं तो वो सीधी खड़ी रह जाती है, क्योंकि अब इनका सेंटर ऑफ मास बेस के ठीक ऊपर रह जाता है। लेकिन स्पिनर लगा देने से तो साफ पता लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास बेस से बाहर चला गया, लेकिन स्पिनर को घुमा देने के बाद हमारी सीढ़ी नहीं गिरती है। जब हम किसी भी वस्तु को गोल घुमाते हैं तो वो उसी प्लेन में गोल घूमना चाहती है जब तक कि हम बाहर से कोई और बल नहीं लगाए। ये सिद्धांत न्यूटन के फर्स्ट लॉ के जैसा ही है और इसे हम जायरोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं। इसी जायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण ही जब हम लट्टू को घुमाते हैं तो वो भी सीधा खड़ा रहकर गोल गोल घूमता है, और जब स्पीड कम हो जाती है तो वो नीचे गिर जाता है। इस सीढ़ी जायरोस्कोप को भी अगर मैं घुमा के हवा में फ्लिप करने की कोशिश करूं तो ये फ्लिप नहीं होता है, क्योंकि ये घूमते हुए अपना प्लेन चेंज नहीं करना चाहता है। लेकिन जब मैं इसको रोक दूं और फिर फ्लिप करूं तो ये आराम से फ्लिप हो जाता है। इसे हम साइकिल के पहिए से भी करके देख सकते हैं। पहिए को अगर मैं यहां से छोड़ता हूं तो ये नीचे गिर जाता है, लेकिन अगर पहिए को मैं घुमा दूं तो ये जायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण नीचे नहीं गिरता और बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। ये टॉय जायरोस्कोप भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। इसे घुमाकर मैं इसे पतली सी रस्सी या फिर पेन की टिप पर भी बैलेंस कर सकता हूं, और इसके साथ खेलने में बड़ा ही मजा आता है। जायरोस्कोप सिर्फ खेलने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में और भी बहुत जगह काम आता है। फोन में ऑटो रोटेशन वाला फंक्शन भी जायरोस्कोप की वजह से ही काम करता है। साइकिल जब चलती है तो वो गिरती नहीं है, उसका भी एक कारण जायरोस्कोपिक इफेक्ट ही है। एरोप्लेन में जायरोस्कोप की मदद से पायलट हवा में दिशा सही रख पाता है, क्योंकि एरोप्लेन में रखा जायरोस्कोप एरोप्लेन के घूमने से अपनी दिशा चेंज नहीं करता है, वो हमेशा उसी प्लेन में घूमता है जिस प्लेन में उसे घुमा के छोड़ा जाता है।